हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी की जो कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं यहां पर समर होमवर्क सब्जेक्ट इंग्लिश का। इससे पहले हमने हिंदी मैथ्स का देखा था, तो अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में इंग्लिश का। और इसी वीडियो में हम सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये जो वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि आपको ये जो समर होमवर्क दिया गया है ये करना अनिवार्य है, क्योंकि जो आपका ये होमवर्क है आपकी नोटबुक में आपको करना है नोट, और आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा आपके टीचर्स के थ्रू जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट फर्स्ट से, जिसमें वर्कशीट फर्स्ट में दे रखा है प्रीपोजिशन का यूज़ करना। तो हम समझेंगे प्रीपोजिशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है, अंडरलाइन दी प्रीपोजिशंस इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको प्रीपोजिशन को फॉलोइंग सेंटेंस में अंडरलाइन करना है। तो देखेंगे, फर्स्ट है द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर टच करते हुए रखी गई है, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है जो कि एक प्रीपोजिशन है। सेकंड है यू आर कमिंग डाउन द हिल। अब आदमी जो है वो हिल से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए डाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर है यू आर कमिंग डाउन द हिल में डाउन प्रीपोजिशन। थर्ड सेंटेंस है रवि वेंट इन टू दी हाउस। अब बाहर से अंदर आया है रवि, तो यहाँ पर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की जब क्रिया होती है तो उसके लिए हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर इनटू को हम अंडरलाइन कर देंगे जो कि एक प्रीपोजिशन है। फोर्थ है द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। अब बर्ड कहाँ पर है? पेड़ को टच करते हुए ऊपर बैठी है ना, तो यहाँ पर ऑन द ट्री आएगा। अगर नीचे बैठी होती तो अंडर द ट्री होता, तो यहाँ पर द बर्ड इज़ ऑन द ट्री हो जाएगा। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। फिफ्थ है द पुलिसमैन रेन आफ्टर अ थीफ। अब पुलिसमैन ऑब्वियसली थीफ के पहले तो नहीं जाएगा, बाद में ही जाएगा, थीफ आगे और पुलिसमैन पीछे, ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर का यूज़ होगा। द पुलिसमैन रेन आफ्टर अ थीफ, पीछे या बाद के लिए हमेशा यूज़ करते हैं आफ्टर प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट है द टी इज़ इन द कप। अब टी कहाँ पर है? चारों तरफ से घिरे हुए कप में है, ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे इनका। नेक्स्ट है द एनिमल आर सिटिंग अंडर द ट्री। अब एनिमल्स कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ की छांव में बैठे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर अंडर यूज़ करेंगे। हमेशा अंडर का यूज़ होता है नीचे जब कोई चीज़ बैठी रहती है या नीचे रहता है, जैसे टेबल के नीचे या बेड के नीचे या ट्री के नीचे या पेड़ की छाया में, तो इन सभी के लिए प्रीपोजिशन यूज़ होगा अंडर का, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडरलाइन कर देंगे हम अंडर को। तो इस तरह से हमने समझा सभी प्रीपोजिशन को। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट समझ आई होगी। ये था वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल्स का यूज़ करना ए और एन। तो आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको ए एन दी यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कल्पना चावला, जो कि महान अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री हमारे भारत की, तो यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट जो आर्टिकल है किस में यूज़ हुआ है। तो कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला वॉज अ एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला वॉज दी एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर की बात हो रही है, कल्पना चावला की बात हो रही है, तो द तो आएगा नहीं, संपूर्ण जाति के लिए द का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कल्पना चावला वॉज, अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है ए से स्टार्ट है, तो मैंने आपको कई वीडियोज़ में बता रखा है ए ई आई ओ यू से पहले हमेशा एन का यूज़ होता है। अपवाद हैं कुछ, जैसे ऑनेस्ट, जैसे यूनिटी, तो यहाँ पर जब साउंड करते हैं तो ये आता है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे यूनिटी के आगे एन का यूज़ नहीं करेंगे, अयूनिटी होगा, ठीक है, क्योंकि वोवल से तो स्टार्ट है यू से, बट साउंड क्या कर रहा है? ये, तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑनेस्ट जो है आपका जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट है एच, पर जब बोल रहे हैं तो ए की ध्वनि आ रही है, तो एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं, इनको साइड में रखते हुए अगर जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो जाएगा सेंटेंस का, कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, और इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एक योगा टीचर। तो यहाँ है अमर इज़ अ योगा टीचर, अमर इज़ एन योगा टीचर, अमर इज़ द योगा टीचर। अब पर्टिकुलर की बात है तो हट जाएगा, ए और एन रहे हैं, तो ए आएगा क्योंकि एन होता है वोवल से आगे, ए ई आई ओ यू है यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट यूज़ होगा वाई। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो जाएगा सेंटेंस का अमर इज अ योगा टीचर। नेक्स्ट है एलिफेंट।
एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल एंड एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक एनिमल को दे रखा है एलिफेंट, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो जाएगा एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. ठीक है, तो यहाँ पर एन एलिफेंट करेंगे हम, बट यहाँ पर द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है, एनिमल जाति की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एक एलिफेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर एन का ही यूज होगा, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. ठीक है, नेक्स्ट है पिकॉक. अ पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, एंड पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. अब यहाँ सभी पिकॉक जो हैं वो हमारे नेशनल बर्ड हैं, यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पर हो जाएगा द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. ठीक है, तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट है यहाँ पर एक अम्ब्रेला लेती हुई गर्ल है जो कि है पायल हैज अ अम्ब्रेला, पायल हैज एन अम्ब्रेला, पायल हैज दी अम्ब्रेला. अब पायल के पास में एक अम्ब्रेला है तो यहाँ पर हो जाएगा पायल हैज एन अम्ब्रेला, तो यहाँ सेकंड फॉर्म जो है सेंटेंस का वो करेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से कंप्लीट होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन. उम्मीद है पूरी वर्कशीट आपको समझ आई होगी. अब हम देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन जिसमें दे रखा है रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ें तब आंसर करें. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गुड फ्रेंड्स है टू क्रेन्स एंड अ टॉर्टोइस. तो आपने दो सारस और एक कछुए की कहानी तो सुनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर उसी कहानी की बातचीत हुई हुई है, तो यहाँ पर जो गुड फ्रेंड्स हैं वो हैं दो सारस और एक टॉर्टोइस यानी कछुआ, टू क्रेन्स एंड टॉर्टोइस. सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड दे लिव, कहाँ रहते थे वे, तो यहाँ लिखेंगे दे लिव नियर अ पॉन्ड, पॉन्ड तालाब के किनारे. थर्ड है हु वॉज अ चैटर बॉक्स, कौन था चैटर बॉक्स यानी कौन बहुत ज़्यादा बोलता रहता था, तो टॉर्टोइस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉर्टोइस. फोर्थ है व्हाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, ड्राई क्यों होने लगा था तालाब, ड्यू टू नो रेन, रेन नहीं होने के कारण ड्राई होने लगा था पॉन्ड यानी तालाब. फिफ्थ है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, उसका लिए एक वन वर्ड होता है टॉकेटिव, तो टॉकेटिव का यहाँ पर सिमिलर मीन यूज हुआ है इस पैराग्राफ में चैटर बॉक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे चैटर बॉक्स. ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन जिसमें है एक फॉर्मल लेटर, तो यहाँ फॉर्मल लेटर लिखना है. फॉर्मल लेटर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, किसी भी सरकारी अधिकारी को अगर लिखा जाता है जो लेटर वो होता है फॉर्मल लेटर. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यू आर मोहन और रजिया और लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल, यू कैनॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर टू डेज. आपको अपने आप को या तो अगर बॉय हैं तो मोहन मानना है, गर्ल हैं तो रजिया मानना है जो कि रह रहा है बीकानेर में. आप बीमार हैं, आपको दो दिन की छुट्टी है, तो अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप स्कूल नहीं आ सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे टू द हेड मास्टर UPS धोला गेट बीकानेर राजस्थान, यहाँ पर डेट लिख देंगे हम जिस भी डेट को ये लेटर लिख रहे हैं. सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, सर आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फ्रॉम 3 May 2022 टू 4 May 2022. यहाँ पे दो दिन की छुट्टी के लिए लिखा है, तो 3 और 4 की आप छुट्टी ले रहे हैं, 2 तारीख को आप लिख रहे हैं. ठीक है, तो थैंक यू योर ओबिनियंटली रजिया लिख देंगे, आप मोहन हैं तो मोहन लिख देंगे. ठीक है, अपने आप को मानना है, आपको बॉय हैं तो मोहन लिख दीजिए, गर्ल हैं तो रजिया लिख दीजिए. तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये एप्लीकेशन. इसी तरह की एप्लीकेशन हमने बहुत से विषयों से रिलेट हमारे चैनल पर उपलब्ध करा रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं. अगर आप हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं तब तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम टू टाइम जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें. तो ये था वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन जिसमें आपको लिखना है एक इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं आपस में, जब दो मित्र आपस में लिख रहे हैं या फिर दो कोई भी रिलेटिव्स आपस में कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर.
तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। आपको अपने यंगर यानी छोटे भाई को विश करने के लिए उसकी बर्थडे पर एक लेटर लिखना है, तो इस तरह से लिखना है आपको। 32 वैशाली नगर, जॉन फर्स्ट, अजमेर सिटी, राजस्थान, 24 मई 2022। यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं। डियर राजू, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई कैन नॉट बिलीव माई लिटिल ब्रदर हैज़ ग्रोन अप सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे एज यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। आई विश ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेज विल बी फुलफिल। गुड लक माई ब्रदर, योर लविंग ब्रदर राम। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना था जिसमें आपको अपने छोटे भाई को विश करना था बर्थडे पर, तो आप अपने लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल यही रहेगा, फॉर्मेट जो है ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है वर्कशीट 5th का सॉल्यूशन। और लास्ट वर्कशीट देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के, वर्कशीट नंबर 6। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन फर्स्ट है, यू आर रोशन, लिविंग 8 15/4 न्यू कॉलोनी पालोडा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश, इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग। आपको अपने आप को रोशन मानना है जो रह रहा है 15/4 न्यू कॉलोनी पालोडा में। आपको एक एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। लेटर लिखना है अपने फ्रेंड राजेश को इनवाइट करने के लिए अपनी बड़ी बहन की शादी हेतु। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/4 न्यू कॉलोनी पालोडा। डेट लिख देने हैं जिस भी डेट को ये लिख रहे हैं। डियर राजेश, आई होप यू आर फाइन। आई वुड लाइक टू टेल यू माई एल्डर सिस्टर्स वेडिंग इज फिक्स्ड, सो आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड हर मैरिज 3 मई 2022। जब भी जिस भी डेट को आप इनवाइट कर रहे हैं तो वो डेट लिखेंगे यहाँ पे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, योर फ्रेंडली रोशन, यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो। आपको आउटलाइन गिवन है जिसकी हेल्प से आप एक लेटर लिखें, एक छोटा सा लेटर लिखना है आपको, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड पर, ऐसे लिखना है आप, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दी गई है, आउटलाइंस दी गई हैं, इन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, रोहन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देना है। ही इज़ फ्रॉम दौसा, आपको सिटी का नाम लिख देना है जहाँ से भी वह बिलोंग करता है। ही इज़ स्टडिंग इन क्लास 8। ही इज़ टॉल एंड वेरी हेल्दी। ठीक है, 5 feet tall। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, उसकी लंबाई बता देनी है और किस तरह से वो हेल्दी है वो बता देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंट दी गई है, टॉल एंड हेल्दी लिखना है आपको, तो इस तरह से लिख देना है आपको। ही इज़ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट, वो बहुत दयालु और ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। हिज फेवरेट गेम इज़ कबड्डी, आपके फ्रेंड की जो भी गेम है फेवरेट गेम वो आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर कबड्डी दे रखा है हिंट में, तो हम कबड्डी ही लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा नहीं लिख सकते हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, और यहाँ पर लिख देंगे कि हम कितना उससे प्यार करते हैं या कितना पसंद है वह। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका ये पैराग्राफ माय बेस्ट फ्रेंड पर कंप्लीट, और हमने एक लेटर भी देखा। ठीक है, तो ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक लेटर और एक पैराग्राफ। तो ये होता है वर्कशीट 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कंप्लीट वर्कशीट आपकी जो समर होमवर्क में दी गई थी। तो उम्मीद है सभी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st वर्कशीट देखी है। सभी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी नॉलेज आई होप कि आपको मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो हम फिर मिलेंगे एक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।